बीकानेर राजस्थान का वो शहर जो राजस्थान टूरिज्म की टॉप लिस्ट में आता है। इसी बीकानेर का सबसे मशहूर फोर्ट है जूनागढ़। कहते हैं जूनागढ़ को किसी एक राजा ने नहीं बल्कि राजाओं की 16 अलग अलग पीढ़ियों ने अलग अलग फेज में बनवाया था। जूनागढ़ में आपको तरह तरह के महल, मंदिर इत्यादि देखने को मिलेंगे। आज हम आपको बताएंगे बीकानेर के अलग अलग तथ्यों के बारे में, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल राज ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। बीकानेर बसा है 1488 में, तो लगभग ये 600 साल पुराना शहर। इस शहर का नाम बीकानेर इसलिए पड़ा कि इस शहर को जिन्होंने बसाया उनका नाम था बीका। नेर जो शब्द है ये आया है जल से, बिकॉज व्हेन बीका ही केम इन दिस पार्ट ऑफ दिस वाज नॉट द फर्स्ट साइट। बीकानेर का नाम पड़ा है राजा बीका के नाम पर जिन्होंने बीकानेर को बसाया था। बीका का मतलब है राजा बीका जी और नेर का मतलब है जल। बीकानेर बसाया गया था 1488 में, जो कि 600 साल पुराना शहर है। 1589 में ये किला बनना स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट हुआ 1937 में। आप देखें इसको बनने में लगे 348 साल और 16 पीढ़ियों ने इसको मिलकर बनाया। फॉर एग्जांपल आप देखें वहाँ पर वो सबसे पुरानी बिल्डिंग, वहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ। और ये जूनागढ़ फोर्ट की नींव रखी थी राजा राय सिंह जी ने 1589 में, और ये जूनागढ़ फोर्ट कम्प्लीट हुआ 1937 में। चूना बहुत होता है यहाँ, तो कंस्ट्रक्शन में भी यही यूज हुआ, फिर डेकोरेशन में भी यही यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि चूने की जो उम्र है वो 100 साल से शुरू होती है, 100 साल से चूना जवान होता है। सीमेंट फ्रीक्वेंट 50 सालों से यूज हो रही है और हर 5-7 सालों में उसकी रिपेयर आती है। चूना जो है उसकी उम्र बहुत है, तो कंस्ट्रक्शन में वही यूज हुआ है, बाद में डेकोरेशन में भी। पूरे जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण सिर्फ चूने से हुआ है, जिसमें कहीं भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। कहते हैं चूने की उम्र 100 वर्ष होती है, जहां पर सीमेंट से बने हुए मकान 10 से 15 साल में रिपेयरिंग मांग लेते हैं। महाराजा बीकानेर के जिनका जन्म 1880 में हुआ, 1887 में ही सक्सीडेड द थ्रोन एट द ओनली एज ऑफ 7। आप देखें 55 साल 5 महीने और 2 दिन का उनका शासन रहा, और इस 55 साल 5 महीने 2 दिन में बीकानेर ने वो सारी चीजें दी। अगर मैं बात करूं पानी, किसी भी शहर के विकास के लिए पानी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूस अकाल पड़ते थे यहाँ पर। आप देखें यहाँ से पंजाब हमारा नेबर स्टेट है, जहाँ से वो नहर लेकर आए हैं 1927 में, 130 किलोमीटर लंबी नहर। महाराजा गंगा सिंह ऐसे राजा थे जिनके राज में बीकानेर सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश हुआ। इनका जन्म 1880 में हुआ और सिर्फ 7 साल की उम्र में इन्होंने राजगद्दी संभाली और 55 साल 5 महीने 2 दिन इन्होंने शासन किया। और ये राजस्थान के नेबर स्टेट पंजाब से 130 किलोमीटर लंबी नदी लाए थे। इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। राजस्थान का वो पहला शहर है बीकानेर जहाँ पर बिजली बनी, आई नहीं बिजली बनी। आप देखें यहाँ से 50 किलोमीटर पर एक नवेली लिग्नाइट प्लांट है। आज उस कोयले की खोज हुई 1897 में, वहाँ से एक कोयला लाया गया। इस किले के पीछे, किले के बाहर की तरफ बिल्डिंग जो आज भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है रोशनीगढ़, वो बनी 1914 में। ये किला राजस्थान का पहला किला है जहाँ पर बिजली आई। ये किला राजस्थान का पहला किला है जहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट। राजस्थान का पहला बिजली उत्पादन प्लांट बीकानेर में लगा था, जिसका नाम रोशनीगढ़ था, जो कि बीकानेर फोर्ट के पीछे स्थित है। और इसी जूनागढ़ में देश की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी थी। और ये 19th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन, उस समय का वेलकम कोर्टयार्ड, जब कभी शादी मैरिज तो राजा यहाँ लोगों को रिसीव करते हैं। पीतल के दरवाजे आप देखिए कितनी अच्छी वो स्टफ है, बहुत ओरिजिनल वो पीतल है पुराना। लगभग 160 एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर जो उसकी देखरेख करते हैं। बढ़िया, इसका पैसा जाता है चैरिटी में, हॉस्पिटल में, बच्चों की एजुकेशन। जूनागढ़ फोर्ट का पहला चौक है वेलकम कोर्टयार्ड, जिसका निर्माण 19वीं सदी में करवाया गया था। पूरे जूनागढ़ फोर्ट में 160 एम्प्लॉय काम करते हैं। महल के टिकट कलेक्शन की सारी कमाई चैरिटी को जाती है। और इतना ही नहीं, महल की देखरेख और बागडोर आज भी राज परिवार के हाथ में है।
हिंदुओं में हमेशा रानियां राजाओं के साथ में होली खेलती, किसी भी अपरिचित के सामने वो नहीं आती। ये चौक है 1774 का बना हुआ, 18 सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। होलियां जब खेली जाती वहाँ पर आप देख रहे हैं ये पानी का हौज है जिसको भरते और तश्तरियों में रंग रहता और जितने भी मिनिस्टर्स या जो बिजनेसमैन थे वो यहाँ तक उनको परमिट था आने। जूनागढ़ फोर्ट का दूसरा चौक है होली चौक, जो कि 1774 में बनवाया गया था, जहाँ पर होली खेली जाती थी। उस समय सिर्फ वीआईपी लोगों को ही होली चौक तक आने की अनुमति थी और राज परिवार की महिलाओं के लिए यहाँ एक अलग सेक्शन बना हुआ था जहाँ से वो होली खेलते हुए लोगों को देख पाती थी और उन्हें कोई नहीं देख सकता था। के लिए उनके वो रोज रेड सैंडस्टोन है, आप आगे भी देखेंगे कई बिल्डिंग्स में। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की, राजस्थान में 50 डिग्री से -5 तक जाता है सर्दियों में, रात 55 डिग्री का, बरसात धूप आंधी उन सब से बचाने के लिए इस पत्थर को, एक टेराकोटा पेंट है इसके ऊपर लाल। दूसरा रंग है सफेद, सफेद जो है ये चूना बहुत होता है यहाँ, तो कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता था, डेकोरेशन में भी यूज होता था। चूने के साथ में मिला है व्हाइट मार्बल का डस्ट और एक लोकल सैंड, इसको ग्राइंड करके एक हार्ड पेस्ट बनाते और उसकी 7 लेयर्स हैं ये ब्रिक्स टेराकोटा उसके ऊपर भी और ये रोज रेड सैंडस्टोन है उसके ऊपर भी। ये इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड नोन एज स्टको, इट्स अ स्टको टेक्निक, व्हेन यू टच इट इट गिव्स यू फील ऑफ मार्बल, ऐसे लगता है एकदम मार्बल है। बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट रोज रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया है। ये एक प्रकार का पत्थर होता है जिस पर टेराकोटा की लेयर लगा दी जाती थी जिससे वो बीकानेर की गर्मी और सर्दी का सामना कर पाए। इसमें हर एक पत्थर तराशा गया है। 1631 का ये पैलेस जिसका नाम है करण महल, यहाँ के 90 महाराजा करण सिंह जी ने इसका निर्माण कराया, लगभग 500 साल पुराना ये पैलेस। आप देखें उस समय का कॉरोनेशन रूम था ये, जब कभी राजा जो है उनकी डेथ होती उनके बड़े पुत्र राजा बनते और यहीं पर उनका राजतिलक किया जाता। आप देखें चांदी का सिंहासन जिसका वजन है 350 किलो, एकदम ऑक्सीडाइज होकर वो काली हो गई, आप देखें वो प्योर सिल्वर है। और ये जितना भी आप छत दीवार पिलर्स ये सारा सोने जैसा जो लग रहा है ये सोना है, ये 22 कैरेट गोल्ड है, ये गोल्ड लीव्स हैं ओरिजिनल, इनको कभी भी यहाँ रीटच नहीं किया गया। ये बीकानेर की अगर मैं बात करूं, हो सकता है आप किले और देखें बड़े, पर सबसे जो अच्छी चीज है यहाँ पर वो है जो आर्ट यहाँ पर पनपा, मुस्लिम और हिंदू दोनों, मथारन शैली जो पुरानी हिंदू पेंटिंग्स है आज भी यहाँ पर बहुत सुंदर उसका काम मिलेगा आपको। और ये सारा मुस्लिम फैमिली है उस्ता, उनका किया हुआ काम है। बीकानेर का उस्ता कला बहुत फेमस है, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत घुमा हूँ। जूनागढ़ फोर्ट का अगला हिस्सा है करण पैलेस, जिसका निर्माण 1631 में किया गया, जो कि लगभग 500 साल पुराना महल है। यहाँ लगभग 350 किलो चांदी द्वारा निर्मित सिंहासन रखा हुआ है। यहाँ पर राजा का राज तिलक हुआ करता था और इस महल की छत बनाई गई है 22 कैरेट गोल्ड से। इसमें तीन महल हैं, बादल महल, राय निवास और अनूप महल। 16th-17th सेंचुरी का ये कंस्ट्रक्शन, इस किले का सबसे पुराना पार्ट। कितनी सुंदर ये टाइल्स हैं, आप गौर फरमाएं, इनके छोटे छोटे पीसेज, एकदम टाइनी पीसेज, एक एक छोटे छोटे पार्ट में ये बंटी हुई है। आप देखें इनको, ये साउथ इटली में एक जगह है सिसली, ये सिसलियन टाइल्स है। और ये है जूनागढ़ फोर्ट का तीसरा चौक जिसमें तीन महल है, बादल महल, राय निवास और अनूप महल, जहां पर लगी है साउथ इटली से आई हुई मोजाइक टाइल। वहां चांदी के दरवाजे, इनका वजन है 65 किलो, ये दरवाजे पहले यहां थे और अब यहां इसलिए ताकि इनको बुरी नजर से बचाया जा सके। और यहां पर एक 65 किलो का चांदी का दरवाजा भी लगा हुआ है। चंद्रा दो महल हैं यहाँ पर, ये सबसे पुराना पार्ट है इस किले का, जब इस किले की नींव लगी सबसे पहले ये बना। अच्छा आप देखें लेडीज बाद में ऊपर शिफ्ट हो गई थी, बट ये अर्ली कंस्ट्रक्शन है इसलिए पहले ये वाइफ का बेडरूम था, उनकी दो वाइफ थी फूल और चंद्रा, उन्हीं के नाम से है। लकड़ी की आप छत देखें कितनी सुंदर, 180 साल पुरानी है, मिनिएचर पेंटिंग्स का गढ़ रहा है बीकानेर आप देखें। और यहाँ पर ये सूर्य भगवान जिनकी प्रतिमा 140 से 42 साल पुरानी, आर्टिस्ट जो थे वो या तो वॉर्स में या हंटिंग्स में बाहर जाते हैं, कैंपिंग्स में उनके साथ में बाहर जाते हैं, जो देखते वो रिप्रेजेंट करते हैं या उनकी इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, साइड फेस जहां मिलेगा आपको 100% वो इमेजिनेशन। कहा जाता है कि जूनागढ़ के राजा की दो रानियां थी, फूल और चंद्रा,
और इन रानियों के लिए दो स्पेशल बेडरूम भी बने हुए थे जिनका नाम है फूल महल और चंद्र महल, जिनकी छत तकरीबन 180 साल पुरानी है। सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स हैं। सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स का मतलब है सिर्फ सेरेमनीज में यूज की जाती है, इनके कभी खून नहीं लगा, ये वॉर में कभी नहीं, सेरेमनीज में यूज। ये राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया और राव बीका जिन्होंने बीकानेर बसाया। आप देखें राव बीका जो है वो राव जोधा के पुत्र थे, तो ये गिफ्ट थी उनको ये तलवार राव जोधा से। आप देखें दूसरी जो तलवार है ये है महाराजा गंगा सिंह जी, इसके ऊपर जो काम और रखा है वो है 24 कैरेट गोल्ड जिसको बोलते हैं कुंदन, और जो बीडिंग्स है इसके अंदर रूबी वो कहलाती है जड़ाऊ, ये कुंदन जड़ाऊ है। अगर संसार में कुंदन कहीं बन रहा है वो बीकानेर से बन रहा है 210। इस महल में एक वेपन म्यूजियम भी है, यहाँ पर राव जोधा और राव बीका की तलवारें रखी हुई मिलेगी। इन तलवारों को कभी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, इन तलवारों पर 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी है और इन पर कुंदन जड़ाऊ काम भी किया हुआ है। कहते हैं बीकानेर से ही पूरे विश्व में कुंदन सप्लाई होता है और यहाँ पर रखी हुई है पदम सिंह जी की 27 किलो की तलवार, जिसे पदम सिंह जी ने औरंगजेब के साले मोहम्मद जी की हत्या की थी। परिवार के राज्य चिन्ह होते हैं। अगर मैं बात करूं बीकानेर की, ये बीकानेर राज परिवार के राज्य चिन्ह जो बने हैं, आप देखें पीतल से और ये पेंट है इनके ऊपर, आप देखें राशियां ज़ोडियक साइन जो है उन्हीं के हिसाब से है ये राज्य चिन्ह। और यहाँ पर बीकानेर के राज परिवार के 12 राशियों के हिसाब से राज चिन्ह भी बने हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। का एक कंस्ट्रक्शन बादल महल इसका नाम, आप इमेजिन कीजिए कि आप डेजर्ट में और बारिश हो रही है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, उसी को आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया अपने आर्ट में। आप देखिए बादल बिजलियां नीचे बारिश, और आपके पीछे है ये वाटर कूलर, एक पाइप फिटेड है थर्ड फ्लोर पर और वाटर टैंक से वो कनेक्ट है, ऑटो रिफिलिंग होती थी, ये छोटी सी जगह जहां से पानी आता ये इसकी स्पीड को मेंटेन करता और पानी बहकर सब जगह फैलकर इस ड्रेनेज से बाहर चला जाता। बादल महल आपको ये एहसास करवाता है कि कैसे रेगिस्तान जैसी जगह में बारिश और ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। इस महल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हुआ था कि इसका कनेक्शन महल के बाहर वाटर टैंक से था, जिससे बारिश के ठंडे पानी और ठंडी हवाओं का मजा ले सकते थे, और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। सबसे सुंदर महल है ये अनूप महल, आप देखें इसका निर्माण 1669 में हुआ, तो लगभग 400 साल हो गए इसको, इसका कभी भी रेस्टोरेशन नहीं हुआ। लोग कहते हैं इसमें 80 किलो सोना लगा, कहीं लिखा नहीं है, पर ये जितना भी है ये सारा सोना है। हर शहर का एक रंग है, जयपुर का गुलाबी, यहाँ का लाल, जैसलमेर का सुनहरी, जोधपुर का नीला, उदयपुर का सफेद। 1914 से पहले जब यहाँ बिजली नहीं थी ये लैंप्स रखे हैं, देखें ऑयल लैंप्स जिनको रात को जला दिया जाता और वो मल्टीप्लाई होता 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 ये रूम पूरा चमकता। इसी जेल में कैदियों ने बनाया जिनको भत्ता मिलता था इस चीज का, स्टाइफंड मिलता। आप इमेजिन कीजिए 130 साल पहले दे हैव देयर ओन लूम्स टू मैन्युफैक्चर दीज कार्पेट्स, हाउ रिच बीकानेर वाज। नेवर फॉरगेट टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ दीज ब्यूटीफुल डोर्स, दोस केम फ्रॉम कश्मीर, इट्स वॉलनट। जूनागढ़ फोर्ट का सबसे सुंदर महल है अनूप महल, इसका निर्माण 1669 में किया गया जो कि लगभग 400 साल पुराना महल है। इसके निर्माण में करीब 80 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था और इसकी कारपेट बीकानेर की जेल में बंद कैदियों से बनवाई गई थी, और इस महल का दरवाजा बना है वॉलनट वुड से। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हर साल जनवरी में सेकेंड सैटरडे और संडे को एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है कैमिल फेस्टिवल टू प्रमोट द टूरिज्म इन बीकानेर। उस दिन ये सिद्ध लोग जो है यहाँ पर आते हैं और इन जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ हर साल उत्सव मनाते हैं जो कि जनवरी के सेकेंड सैटरडे और संडे को मनाया जाता है।
यहाँ पर कैमल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ पर सिद्ध लोग तलवारों और अंगारों पर चलकर अपना कर्तव्य दिखाते हैं और इन लोगों को सिद्ध कहा जाता है। लकड़ी का बना हुआ आप देखें, गोल्ड लीफ से इसको सजाया गया। आप देखें इस पे छोटी छोटी ये पपेट्स जो हैं, ये है कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त गोपिकाएं, और ये गोपिकाएं सारी जुड़ी हैं एक तार से, सारे तार जुड़े हैं इस झूले से, और जब उनको कृष्ण लला को हिलाया जुलाया जाता सारी गोपिकाएं हिलती होंगी, ऐसे लगता है जैसे नाच रही हूँ। इट इज ए सुपर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म टेक्निक 160 ईयर्स बैक। अब स्प्रिंग्स लगी है उनके पीछे, वो जाम लग गए। जूनागढ़ फोर्ट में एक बाल गोपाल का झूला बना हुआ है। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को झुलाया जाता था, और जब भी इस झूले को झुलाते थे तो इस झूले पर बनी गोपियाँ अपने आप हिलने लगती थी, जो कि उस समय की मैकेनिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। महारानी जी का बेडरूम है, बेड इतना छोटा, लो और टाइनी, ये सिक्योरिटी के लिए, ताकि नीचे से हमला ना हो, दुश्मन उसके नीचे नहीं छुपे। लकड़ी की छत कितनी सुंदर है, ऐसे लगता है जैसे मखमल के ऊपर कसीदे का काम है, वो सारा लाख का काम है, ये वही लाख लकड़ी के ऊपर लाख। अगर मैं इस महल की बात करूं, आप गौर फरमाएं ये छोटी छोटी जो फूल पत्तियां। इस फोर्ट में महाराजा का बेडरूम बहुत ही विशेष प्रकार से बनाया गया था, जो कि जमीन से काफी नीचे बनाया गया था, जिससे कोई बेड के नीचे से हमला ना कर सके। और इस बेडरूम में कांच का भी काम किया गया था, और इसकी छत पर कश्मीरी नक्काशी भी की गई थी। कांच है 1917 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उस समय का बना हुआ प्लेन हैविलैंड DH-9DE। हैविलैंड दो कैनेडियन ब्रदर्स उनके नाम से कैनेडा में बना है, और DH-9DE ये मोटर या इंजन, सिंगल इंजन का ये प्लेन, इस लकड़ी के पंखा जिसको बोल रहे आप प्रोपेलर, इससे स्टार्ट होता था। आप देखें टू मैन फाइटर प्लेन, दो आदमी उसमें बैठ सकते थे, ये स्पेशली बना था बॉम्बिंग के लिए, बम गिराने के लिए, और ऐसे बने थे 4091 प्लेन। ये सिर्फ दो ही एग्जिस्ट करते हैं, एक यहाँ, एक इंपीरियल म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड लंदन। इस फोर्ट में हैवलैंड ब्रदर्स का एक फाइटर प्लेन भी खड़ा है, जो कि टू मैन फाइटर प्लेन है। इसका इस्तेमाल विश्व युद्ध के दौरान बम गिराने के लिए किया जाता था। पूरी दुनिया में ऐसे दो ही प्लेन हैं, जिसमें पहला रखा है इंपीरियल म्यूजियम ऑफ लंदन में, और दूसरा यहाँ बीकानेर के जूनागढ़ में। इसके अलावा यहाँ म्यूजियम में पालकी, रथ, भाले, बंदूक, तलवार इत्यादि रखे हुए हैं, जो कि देखने लायक हैं। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, जो लगी है यहाँ पर 1919 अगस्त स्टिगलर के एक जर्मन इंजीनियर हुए हैं, जिन्होंने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था 1860 में। और जब ये स्टिगलर थर्ड के पास में आया तो ओटिस ने इसको खरीद लिया। आप इमेजिन कीजिए वो समय जब राजा ने अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दिया और बोला इसका खटका दबाइए, और जब वो खटका दबा तो ऊपर जब आई ये फर्स्ट फ्लोर, क्या खुशी रही होगी। और इस जूनागढ़ फोर्ट में देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी है, जो कि सन 1919 में लगवाई गई थी। बात करूं इस महल की, इसका नाम है दरबार हॉल, और ये 1937 का कंस्ट्रक्शन है। आप देखें इसको बनने में लगे 14 साल, और इसकी हाइट देखें आप 40 फीट। आप देखिए तीन तरह के स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर, ये वाइट मार्बल, ये रोज रेड सैंडस्टोन बीकानेर का, और ऊपर ये टीक वुड, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बर्मन टीक वुड, क्या कार्विंग हो रखी है उस पे देखें आप, और ये शैंडेलियर्स इटालियन मोरेनो। वेनिस के पास में एक जगह है, बहुत छोटा सा आइलैंड मोरेनो, ये वहाँ के ग्लासेस हैं, आप मतलब शैंडेलियर्स हैं वहाँ बनते, बहुत अच्छे। बिकॉज 1919 में फ्रांस के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है वर्साई, वहाँ एक संधि हुई थी जिसको वर्साई की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। उनके अंदर एकमात्र एशियन थे जिन्होंने सिग्नेचरी है उनका, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम अ वेरी बिग पर्सनालिटी आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो एज ए प्रूफ ये वहां से चेयर्स या वो ड्रेसिंग जो मैंने। जूनागढ़ फोर्ट में एक जगह है जिसका नाम है दरबार हॉल। इसका निर्माण 1937 में किया गया। इसको बनने में लगभग 14 साल लगे। यह दरबार लगभग 40 फीट ऊंचा है। इसको बनाने में व्हाइट मार्बल, रोज रेड सैंडस्टोन और बर्बन टीक वुड का इस्तेमाल किया गया।
इसी महल में आपको इटालियन ड्रेसेस से सजा हुआ एक सिंहासन मिलेगा जिसको महाराजा गंगा सिंह जी लाए थे। इसके अलावा दरबार हॉल में आपको उस समय के हथियार जैसे तीर, धनुष, भाले, तलवार, कुल्हाड़ी, लोहे की जैकेट, ये सब देखने को मिलेंगे जो कि उस वक्त जंग में इस्तेमाल किए जाते थे। इसी दरबार हॉल के बाहर आपको मेडल्स की डमी देखने को मिलेगी जो कि उस समय राजाओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते थे, जो कि कांच और तांबे के बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं, आप देखिए ये बाहरी जो दीवार है ये 986 मीटर, इसको याद रखने के लिए आप ले लें इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाहर एक और दीवार है, खाई कह दें आप उसको, लगभग 30 फुट गहरी बची है वो और 28 फुट लगभग वो चौड़ी है, तो बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। ये खाई पानी के लिए नहीं थी, ये सिर्फ खड्डा है एक मिट्टी का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।